अभी को नमस्कार। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यस ब्लॉक। ठीक है, यस ब्लॉक जो है हमारे जो एनुअल एग्जामिनेशन टर्म टू एग्जामिनेशन है उसमें इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हो इनऑर्गेनिक के दो ही चैप्टर हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। और इससे हमारे एनुअल एग्जामिनेशन मीन्स टर्म टू एग्जामिनेशन में 11 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो 11 मार्क्स के लिए बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और दो चैप्टर हैं, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, उसको हमको देखना है। तो वीडियो के माध्यम से और हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे। एस ब्लॉक में सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ और लिखा भी हूँ आपके नोट्स के लिए कि इसमें बहुत सारे सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। तो जो प्रेजेंट अभी आपके सिलेबस में है उसमें आप देख लीजिए, जनरल इन्फॉर्मेशन है, यानी जनरल इंट्रोडक्शन आपको देना है एस ब्लॉक का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑकरेंस, ठीक है, ट्रेंड्स की वेरिएशन जैसे एटॉमिक साइज का हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी का हो गया, ठीक है, डेंसिटी का हो गया, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का हो गया, जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो चैप्टर्स में हमको पढ़नी है जनरल इंट्रोडक्शन में, उन्हीं की वेरिएशंस को टॉप टू बॉटम ग्रुप में पढ़ने हैं और लेफ्ट टू राइट भी हम लोग पढ़ लिया जाएगा पीरियड में। फिर उसके बाद एनोमलस बिहेवियर्स को पढ़ना है। और आप सभी बच्चों पिछले चैप्टर्स में जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट था उसमें एक चीज़ आप जानते थे, एनोमलस बिहेवियर यानी किसी भी ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कुछ न कुछ प्रॉपर्टी अपने रेस्ट मेंबर्स से अलग रखता है, उनकी एनोमलस बिहेवियर होती है, उसके बारे में देखना है, पढ़ना है क्यों ऐसा होता है एनोमलस बिहेवियर। सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में जो डायगनली होते हैं जैसे लिथियम और बेरिलियम, बेरिलियम और एल्युमिनियम, ये डायगनली एग्जिस्ट करते हैं। जो डायगनली एलिमेंट होते हैं ग्रुप सेकेंड और ग्रुप थर्ड के, वो एलिमेंट्स भी सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है डायगनल रिलेशनशिप, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर में थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अल्कली मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन और हैलोजन्स के साथ। और लास्ट टॉपिक है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, सॉरी एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनके कुछ यूजेज हम लोग को पढ़ लेने हैं। तो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है और चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले इंट्रोडक्टरी बातें हैं। तो इंट्रोडक्टरी बातें में बच्चों हमको जानना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स किससे कहेंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए आप जानते हो कि एस ब्लॉक एलिमेंट कब कहा जाएगा, व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द एस, जब किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट, व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द एस ऑर्बिटल, जब किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग देखा जाए एस ब्लॉक एलिमेंट यहाँ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है, 1s2 2s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया, तो इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। उसी तरह कभी कभी आप मैग्नीशियम लिखते हो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका EC लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया, इसलिए हम आप इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये s ब्लॉक एलिमेंट है। यानी s ब्लॉक एलिमेंट का टर्म समझ पाए, व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द s ऑर्बिटल या सब सेल, देन इट इज सेड टू बी s ब्लॉक एलिमेंट। अब पीरियाडिक टेबल आपके सामने बना हुआ है और इस पीरियाडिक टेबल में आप देख रहे हो कि एस ब्लॉक के दो मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से मेंबर हैं बच्चों, एस ब्लॉक में दो ग्रुप है, ग्रुप वन और ग्रुप टू। अब ग्रुप वन और ग्रुप टू का एक दूसरा नाम भी है, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यानी एस ब्लॉक हमारा जो है उसमें दो ग्रुप है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल्स कहते हैं, दूसरे को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं कि जो मेंबर्स हैं फ्रॉम द लिथियम, अल्कली मेटल्स के मेंबर्स कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग नहीं पढ़ते हैं।
क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये हमेशा डिसइंटीग्रेट होता रहेगा, टूटता रहेगा, इसकी लाइफ स्पान भी बहुत कम होती है, इसलिए हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ते हैं। और लिथियम से लेकर सीजियम तक ये हमारे अल्कली मेटल्स के मेंबर्स हैं। अल्कली मेटल्स के मेंबर का मतलब, ये अल्कली मेटल इनको क्यों कहते हैं? बिकॉज द हाइड्रोक्साइड ऑफ दीज मेटल्स आर वाटर सॉल्युबल एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द अल्कलीज, उसको अल्कलीज कहते हैं, इसलिए इस मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। उसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम, ये यानी जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं जिसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, इनके हाइड्रोक्साइड जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वाटर सॉल्युबल है, इसको भी अल्कली कहते हैं। और दीज मेटल्स फाउंड इन थ्रू द अर्थ क्रस्ट, ये जो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और इनके हाइड्रोक्साइड्स को अल्कली भी कहते हैं, इसलिए इस सेकेंड ग्रुप को हम क्या कहेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पहला टॉपिक हमारा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, आप जो 11th क्लास में जो पीछे चैप्टर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिखना जानते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हो तो क्या पाते हो? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1-2, यानी एस सब सेल में एक और दो ही इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। अगर एक रखोगे किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मतलब वो अल्कली है, अल्कली मेटल्स है। अगर दो हैं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो, ये जिनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब NS2 है इसका, किसका? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, देखो लिखा हुआ। NS1 किसका है? NS1 किसका है? अल्कली मेटल्स का। N की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? 2 से, सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, यानी पोटेशियम का लिखना हो तो 4S1 लिख दो, रूबीडियम का लिखना है तो क्या लिख दो? 5S1 लिख दो। यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप S ब्लॉक का लिख पा रहे हैं। नेक्स्ट, अब हमको कुछ वेरिएशंस पढ़ने हैं, एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो आप जानते हो बेटा, सबसे पहले अल्कली मेटल्स जो होते हैं, ये जो अल्कली मेटल्स हमारे हैं, अल्कली मेटल्स सबसे लेफ्ट में होते हैं, अपने पीरियड में सबसे लेफ्ट में होते हैं। तो अल्कली मेटल्स आर द लार्जेस्ट इन साइज एमंग द पीरियड, अपने पीरियड में सबसे बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं? कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे, एटॉमिक साइज क्या होगा? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है? और आप जानते हो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। इसी चीज़ को देखो यहाँ नोट्स में भी लिखा हुआ है, अल्कली मेटल आर लार्जेस्ट इन साइज, किस में? इन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। अगर लिथियम बेरिलियम बोरान से लेके कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन तक जाते हैं तो उस पीरियड में लिथियम सबसे बड़ा होगा और फ्लोरीन सबसे छोटा होगा। उसी तरह सोडियम से देखो, लिथियम के बाद नीचे सोडियम है, सोडियम से बढ़ते जाओ कहाँ पे? मैग्नीशियम एल्युमिनियम, यहाँ से बढ़ते जाओ तो यहाँ पे आर्गन लास्ट है, ठीक है? आर्गन से पहले क्या है? क्लोरीन है। यानी ये सबसे बड़ा होगा और ये क्लोरीन क्या होगा? सबसे छोटा होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। क्यों होता है ऐसा? इसके रीज़न क्या है? तो रीज़न के लिए बच्चों आप जानते हो, रीज़न के लिए क्या जानते हैं? कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब क्या हुआ? साइज छोटी होती जाएगी। यहाँ भी देखो लिखा हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब क्या होगा? साइज छोटी होती जाएगी। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो दो रीज़न होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबीडियम है, सीजियम है। हम जैसे जैसे नीचे आएंगे, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी। इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे लिखा हो गया है, एटॉमिक और आयनिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप विथ, क्यों? विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड सील्डिंग इफेक्ट।
दोनों चीज़ें बढ़ती जाती हैं। जब ऊपर से हम नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, सेलिंग इफेक्ट बढ़ेगा, इसलिए साइज बढ़ती चली जाती है। लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, जो यहाँ बने हुए हैं इनमें आप देख रहे होंगे नीचे जाने पे साइज बढ़ती जाती है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें हमको पढ़ना है, आयनाइजेशन इनथैल्पी एक नया टॉपिक है। आयनाइजेशन इनथैल्पी में क्या देखना है, पहली बात आप पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे आयनाइजेशन इनथैल्पी किसे कहते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या है मतलब इसका, कहने का मतलब किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी हम देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में फ्रॉम देयर आइसोलेटेड गैसेस एटम, दैट एनर्जी इज सेड टू बी आयनाइजेशन इनथैल्पी। और आयनाइजेशन इनथैल्पी आप सोचो, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन इनथैल्पी डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, देखो, क्योंकि साइज बढ़ती जाती है। और आप जानते हो आयनाइजेशन और साइज एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो साइज ऑटोमेटिक क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। उसी तरह लेफ्ट टू राइट जाएं, यानी किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, किसी के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और अंदर के इलेक्ट्रॉन के बीच, अंडर के न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ये बातें हम कर सकते हैं। और देखो यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने लिखा है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि साइज बढ़ती जा रही है। साइज बढ़ेगी तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा और आराम से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। इसी कारण से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जानते हो आप, दिस सीजियम इज यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इतनी कम एनर्जी चाहिए होती इलेक्ट्रॉन को निकालने में कि इवन सन रेज की एनर्जी की वजह से, सूर्य की रोशनी की वजह से भी सीजियम के इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। एंड दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन इनथैल्पी ऑफ सीजियम, दिस सीजियम मेटल इज यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, और फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को देखना था। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसमें क्या देखना है, आप जानते हो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए जनरली जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है जिसको आप अल्कली मेटल्स कहते हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये दीज मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल। अल्कली सोडियम और पोटेशियम, अल्कली मेटल्स में इवन सोडियम और पोटेशियम, दीज आर द सॉफ्ट मेटल्स एंड इवन इट कैन बी कट विद द नाइफ। ये किससे, चाकू से भी काटे जा सकते हैं। क्यों काटे जा सकते हैं भाई, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम, इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, एक बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। यानी एक ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। मेटेलिक बॉन्ड्स जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होती जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एस ब्लॉक और पी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, दे आर द सॉफ्ट। व्हाई इट इज सॉफ्ट, बिकॉज दे हैव द ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनके पास केवल एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और देयरफॉर इट फॉर्म्स द वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। अल्कली मेटल्स में वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है जो आपको दिखाया जा रहा है। इसलिए नीचे जाने पे आप पहली तो बात, तो पूरे अपने पीरियड्स में लिथियम अपने पीरियड में, सोडियम अपने पीरियड में, पोटेशियम अपने पीरियड में सबसे सॉफ्ट इसलिए है बिकॉज दे हैव द वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, वो वीक बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती जाती है। जब साइज बढ़ेगी इन एलिमेंट्स की तो ये इजिली फिट नहीं होंगे लैटिस में। जब लैटिस में इजिली फिट नहीं होंगे तो क्या होगा, लैटिस में इजिली फिट नहीं होंगे तो अच्छी स्ट्रांग लैटिस नहीं होगी, स्ट्रांग लैटिस नहीं होगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होगी। तीसरी बात, अब हमको डेंसिटी के बारे में पढ़ना है।
डेंसिटी के बारे में हम क्या देखना चाह रहे थे? डेंसिटी के बारे में हम कह रहे थे कि सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होती है, अल्कली मेटल की डेंसिटी सबसे कम होती है, डेंसिटी सबसे कम होती है अपने पीरियड में। डेंसिटी को कैसे आप दिखाते हो? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें देखना क्या है, डेंसिटी डाउन द ग्रुप जो हो, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम डेंसिटी इज ऑलवेज इंक्रीजेस, ऊपर से नीचे जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज कर रही है, डेंसिटी इंक्रीज कैसे कर रही है? ऊपर से नीचे जा रहा हो, डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। डेंसिटी होती क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो मास ज़्यादा बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, कम बढ़ता है, यानी द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इंक्रीजेज ग्रेजुअली। ऊपर से नीचे जाने पे मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं डेंसिटी जो हमारी है वो क्या होगी, इंक्रीज करती है। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, मास पर यूनिट वॉल्यूम मींस डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मास इंक्रीजेज मोर एज कम्पेयर टू डेंसिटी, हेंस डेंसिटी इज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये आपको एक स्टार पॉइंट के रूप में भी दिया हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में क्या होता है, टेंडेंसी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाता है। तो देखते हैं अल्कली मेटल की खासियत आप जानते हो, बिकॉज ऑफ इट्स लो आयनाइजेशन इनथैल्पी, अल्कली मेटल की आयनाइजेशन इनथैल्पी बहुत कम होती है, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बनाता है। जैसे M यहाँ क्या लिखा हुआ, M मीन्स अल्कली मेटल्स, लीथियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, कोई भी ले, तो क्या होगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाते हैं। लिथियम लूज करेगा तो लिथियम आयन बनाएगा, सोडियम लूज करेगा तो सोडियम आयन बनाएगा। अच्छा, एक बात और, दूसरी बात, जैसे ऊपर से नीचे आप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। हमने क्या लिखा यहाँ पे, ऑल द अल्कली मेटल्स आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्ट्रांग इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन इनथैल्पी, हमारे अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन इनथैल्पी इतनी कम है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। क्लियर है ये बात। चलिए, इसी आयनाइजेशन एनर्जी पे एक और प्रॉपर्टी इफेक्ट डालती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिफिनीशन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दो वर्ड से मिलकर बना, फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स इस लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने जा रही है। आप फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो सोलर सेल वगैरह आप देखते होंगे, सोलर टॉर्च वगैरह देखते होंगे, उसमें होता क्या है, पहले ये इफेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस। अगर किसी मेटल के सरफेस पे लाइट गिरे, स्ट्राइक करे, उस एनर्जी की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो उसको हम कह सकते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मीन्स डिफिनीशन को एक बार और देख लेते हैं, इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ, इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स निकलने की प्रक्रिया किसकी प्रभाव से, अंडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस। जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज व्हेन इट फ्लो, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं और फ्री किसी वायर के थ्रू अगर हम फ्लो कराते हैं, अगर वो फ्लो करेगा तो आप जानते हो डिफिनीशन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। अब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब समझने की बात है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन इनथैल्पी हमारी भी कम होती जाती है, जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। तो सीजियम में आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसलिए सीजियम मेटल को ये क्या कहते हैं, इट इज़ यूज इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अक्सर क्वेश्चन भी आता है कि वाई द सीजियम मेटल इज यूज इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, सीजियम मेटल हैव द लो आयनाइजेशन इनथैल्पी, हेंस
फोटोइलेक्ट्रिक सेल इट शोज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। जब फोटोइलेक्ट्रिक सेल अफेक्ट करेगा, फोटोइलेक्ट्रिक डिवाइस में काम करेंगे, इसलिए हम इसी का क्या बनाते हैं, सोलर सेल। अच्छा, यहाँ पे भी एक एक स्टार पॉइंट हमने डालना है। स्टार पॉइंट डालने का मतलब क्या है, ऑल द अल्कली मेटल्स हैव द लो आयनाइजेशन, लो आयनाइजेशन इंथैल्पी, सभी की तो आयनाइजेशन इंथैल्पी कम है। वो अलग बात है कि नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी और कम होते जाता है। देयरफॉर इजली इजेक्टेड द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सपोज टू द लाइट, जब लाइट के अंदर रखा जाता है तो लाइट जब इसके ऊपर स्ट्राइक करती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, उनके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसी को फोटोइलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया आप लोगों को कि फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज मींस लाइट व्हेन स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आपको ये समझ लेना है कि सीजियम ही सबसे बेस्ट फोटोइलेक्ट्रिक मेटल के रूप में क्यों यूज होता है, बिकॉज इज सीजियम हैविंग द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, पूरे पीरियाडिक टेबल में ये सबसे लो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, सीजियम मेटल की है। क्लियर हो गया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिड्यूसिंग नेचर, लेकिन हालांकि इसको हम पूरी तरह से यहाँ पे अभी आपको समझना पड़ेगा कि रिड्यूसिंग नेचर होता क्या है, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है, आप जब रिडॉक्स चैप्टर पढ़े थे, रिडॉक्स चैप्टर में आपने देखा था कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो अच्छा इलेक्ट्रॉन्स आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे। अल्कली मेटल आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू द ग्रेटर ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, किसी को दे दे आसानी से इलेक्ट्रॉन, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और हम 4-5 प्रॉपर्टी में लगातार देख रहे हैं कि अल्कली मेटल्स से सबसे लो आयनाइजेशन एनर्जी रखते हैं एमंग द पीरियड्स। अच्छा, दूसरी बात देख रहे थे कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती जा रही है, तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी वो उतनी ही आसानी से उतनी ही क्या होगी, आसानी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज कराने में, और वो स्ट्रॉन्ग बेटर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। लेकिन बच्चों, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये 11th में आपको जानना होता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग सीजियम को होना चाहिए था, लेकिन सीजियम से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम। लिथियम सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है इन एक्वस मीडियम, इन एनी एक्वस मीडियम की बात करते हैं। क्यों, इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए 3 फैक्टर काम करता है, ठीक है। पहली बात तो इसका देखते हैं कि हमको एलिमेंट्स को पहले गैसियस स्टेट में करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए इनकी लैटिस एनर्जी चाहिए पहले, फिर सब्लिमेशन एनर्जी, यानी उसी को सब्लिमेशन एनर्जी कह दीजिए कि सॉलिड लिथियम सॉलिड से लिथियम गैस बनने में जो एनर्जी देनी पड़े उसको सब्लिमेशन एनर्जी। फिर जब वो गैसियस स्टेट हो गया, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब वो आयनाइज हो गया और एक्वस मीडियम में है तो हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब उस लिथियम आयन और वाटर के बीच में जब इंटरैक्शन होता है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो पाया क्या गया, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, तीनों का अगर ओवरऑल फैक्टर देखा गया तो लिथियम से लिथियम क्या होता है, ये बेटर, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से एक बार इलेक्ट्रॉन निकलता है पानी में तो उसके बाद आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है सीजियम से, और सीजियम इज एक्ट एज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। दो इट हैव द मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम रूबीडियम एंड सीजियम। सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम से लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, फिर भी आसानी से इलेक्ट्रॉन देने लगता है क्योंकि लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। पानी में जब लिथियम आयन रहेगा तो वाटर के इंटरेक्शन के वजह से लिथियम में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वही एनर्जी लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स को लगातार निकालने में मदद करने लगता है। इसलिए बच्चों क्या होता है, लिथियम इज एक्ट एज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट।
होना यही चाहिए था कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम वही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करने लगे। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रिड्यूसिंग एजेंट तीन फैक्टर पे काम करता है। वो तीनों फैक्टर क्या होते हैं? पहला सब्लिमेशन, दूसरा आयनाइजेशन एन्थैल्पी, तीसरा क्या हो गया? हाइड्रेशन एनर्जी। और लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, जो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डेंसिटी हो गया रिड्यूसिंग नेचर के बाद, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस, ठीक है। रिएक्शंस को देखने हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, क्लियर हो गया। अब आइए रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हैलोजन, रिएक्शन विथ एयर, ठीक है, ये हम लोग को पढ़ने हैं। चलिए आइए, अब रिएक्शन विद अल्कली मेटल का रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। रिएक्शन मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन से पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, फिर उसके बाद हैलोजन के साथ, ये हमारे कोर्स में है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन विद हैलोजन, पहले हाइड्रोजन। व्हेन द अल्कली मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन इट फॉर्म्स द हाइड्राइड्स, ये हाइड्राइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड्स। और हाइड्राइड्स में भी कौन सा? मेटेलिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। जैसे लिथियम हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम कंबाइन करेगा सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम कंबाइन करेगा पोटेशियम हाइड्राइड। मींस व्हेन द ऑल द अल्कली मेटल्स कैन इजिली कंबाइन विद हाइड्रोजन एंड टू फॉर्म द हाइड्राइड्स, वो अपने करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स बनाते हैं। बाकी जितने मेटल्स होते हैं लिथियम को छोड़कर, सभी 673 केल्विन पे अपना हाइड्राइड्स बनाते हैं। एक ही है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी रिएक्टिविटी कम है, लिथियम। व्हेन द लिथियम कंबाइंड विथ हाइड्रोजन एंड इट कंबाइंड कितने पे? इट कंबाइंड 1073 केल्विन पे कंबाइन करके लिथियम हाइड्राइड बनाता है, और बनता भी है, ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर रिएक्शन विथ हैलोजन्स, हैलोजन्स के साथ रिएक्शन अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, रिएक्शन के साथ हैलोजन्स को देखेंगे तो जितने भी हैलोजन्स हो, अल्कली मेटल्स के कंबाइन करने के साथ साथ वो अपना क्या बनाते हैं? आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। जैसे सोडियम और हेलो क्लोराइड कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, एग्जाम्पल देखिए आपने दिया हुआ है, ठीक। रिएक्टिविटी अल्कली मेटल्स की क्या होती है? इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि नीचे जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है? आप जानते हो अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है आपको, एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। दो द लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम लाई इन द सेम ग्रुप, सभी एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है, दैट मेंबर हैड सम डिफरेंट प्रॉपर्टी देन द अदर फैमिली मेंबर्स। लिथियम सोडियम पोटेशियम सब एक ही परिवार के होने के बावजूद भी लिथियम जो थोड़ा अलग व्यवहार शो करता है, अलग बिहेवियर, अलग प्रॉपर्टी शो करता है, इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, लिथियम की साइज बहुत छोटी होती है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल भी कम होता है। एंड बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस द लिथियम शोज द एनोमलस बिहेवियर। ये आपके टर्म एंडिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आता रहेगा कि वाई द लिथियम शोज द एनोमलस बिहेवियर। तो आप कहोगे कि लिथियम एनोमलस बिहेवियर शो इसलिए करता है क्योंकि बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये सब बातें तीन अलग अलग, ये तीन फैक्टर हैं जो लिथियम को एनोमलस बिहेवियर कराते हैं, दिखाते हैं। अच्छा, एनोमलस बिहेवियर कैसे कह सकते हो कि लिथियम अलग व्यवहार शो करता है? तो इसके लिए एक एग्जाम्पल भी हमने दिया है, दो तीन, क्या है? लिथियम क्लोराइड में कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड। जैसा लिथियम होना चाहिए लिथियम क्लोराइड, वैसा ही तो क्या होना चाहिए? सोडियम क्लोराइड भी होना चाहिए। लेकिन आप जानते हो कि सोडियम क्लोराइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में तेजी से घुलता है, लेकिन LiCl इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। एक ही परिवार के होने थे तो दोनों को ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिथियम क्लोराइड का व्यवहार
लिथियम क्लोराइड शोज द एनोमलस बिहेवियर। दूसरी बात, सभी कार्बोनेट्स, ऑल द कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर सॉलिड। ज़्यादातर जो भी कार्बोनेट्स होते हैं, सोडियम कार्बोनेट हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट, ये सब सॉलिड में होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट्स को छोड़ के बाकी सारे कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम, लिथियम की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखें तो सोडियम पोटेशियम रूबीडियम से सबसे ज़्यादा होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिथियम का सबसे ज़्यादा होता है। परिवार का है तो एक बराबर लगभग होना चाहिए, लेकिन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम क्या होना है, सबसे ज़्यादा हाई होता है। इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये लिथियम के कंपाउंड्स में कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजेशन पावर। इसका लिथियम का पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा होता है। फजान रूल से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो पिछले क्लासेस में हम लोग फजान रूल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। फिर उसके बाद डायगनल रिलेशनशिप, ये बता रहा था आपको, हम लोग पिछले चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में भी पढ़े थे कि सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में, सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स डायगनली होते हैं, दे ऑलवेज शोज द डायगनल रिलेशनशिप। यानी इसका डिफिनीशन क्या होगा, सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विच इज प्रेजेंट डायगनली, और डायगनल रिलेशनशिप सेकेंड और थर्ड पीरियड में ही पाया जाता है। ऐसा इसलिए है कि लिथियम और मैग्नीशियम का पोलराइजेशन पावर मीन्स चार्ज अपॉन साइज रेशियो सेम होता है। जब इसका चार्ज और साइज रेशियो सेम होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन द प्रेजेंट डायगनली इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड शोज द सिमिलर प्रॉपर्टी एंड दैट इज कॉल्ड द डायगनल रिलेशनशिप। और यह ऐसे एग्जाम्पल देख लीजिए, लिथियम और मैग्नीशियम एक जैसा प्रॉपर्टी शो करता है, बेरिलियम एल्युमिनियम एक जैसा शो करता है, बोरॉन और सिलिकॉन एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसी को बोलते हैं डायगनल रिलेशनशिप। ये भी एग्जाम में अक्सर आता है और आगे भी आएगा। आप जानते हो इसी तरह एक टॉपिक आपका इसमें मुझे लग रहा है कि प्रिंटिंग में नहीं है, ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन वगैरह का था, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में मैं आपको बता दूं कि आप जानते ही हैं अल्कली मेटल्स आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड इट कैन ईजिली कम्बाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं और हवा में छोड़ दें तो अल्कली मेटल्स तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन उस ऑक्साइड्स में लिथियम ऑक्साइड जो होती है वो नॉर्मल ऑक्साइड्स, सोडियम का जो ऑक्साइड बनाएगा उसको परऑक्साइड्स बनाता है, और रेस्ट पोटेशियम रूबीडियम सीजियम ये सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। फिर से बोल दे रहा हूँ, ऑल द अल्कली मेटल्स बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी इजिली कम्बाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म द ऑक्साइड्स, एंड दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये हाईली बेसिक होते हैं, पानी में मिलाने पे बेस बना देते हैं। अच्छा, दूसरी बात हम कर रहे हैं कि लिथियम जो नॉर्मल ऑक्साइड Li2O बनाता है, सोडियम N2O2 बनाता है जिसको पर ऑक्साइड कहते हो, पोटेशियम KO2 बनाता है KO2, रूबीडियम RbO2 बनाता है, इनको सुपर ऑक्साइड्स कहते हैं। यानी फर्स्ट मेंबर नॉर्मल ऑक्साइड्स या ऑक्साइड्स कह सकते हैं, सेकेंड मेंबर मीन्स सोडियम पर ऑक्साइड्स बनाएगा, एंड रेस्ट थ्री मेंबर्स लाइक पोटेशियम रूबीडियम सीजियम इट फॉर्म द सुपर ऑक्साइड्स। ये इनकी आयनिक जो साइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लिथियम की साइज सबसे छोटी होती है, ठीक है, तो वो ऑक्साइड आयन को आसानी से स्टेबलाइज कर लेता है। जैसे जैसे नीचे हम जाएंगे सुपर ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। सेम प्रॉपर्टी हमको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए भी पढ़ने हैं, ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी उसको हम लोग चाहे तो इसी वीडियो में कर सकते हैं, वीडियो मेरे हिसाब से भी बहुत बड़ा नहीं हुआ होगा तो इसमें भी कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। चलिए इसी में बना लेते हैं इसको, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, थोड़े ही हैं, क्योंकि इससे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे सेम टॉपिक का रिपीटेशन है। जैसे प्रॉपर्टी अल्कली मेटल की होती है, सेम प्रॉपर्टी अल्कलाइन अर्थ मेटल की होती है। कैसे, अल्कलाइन अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है देख लो, क्या बताया था शुरू में भी, NS2, ठीक है, तो अब वहाँ से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर लिया जाए। चलिए,
ये चलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल स्टार्ट करते हैं। पेंसिल का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये चलिए अब स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको देखना था। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 होता है। ठीक है, अब N की वैल्यू 2 से लेके 7 तक होती है, ये पीरियड्स को दिखाता है, आप जानते हो। अब फिर वेरिएशन की बात कर रहा है, आप जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा साइज बढ़ती जाएगी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, छोटी होती चली जाएगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी अब रिपीट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 बार पढ़ चुके हैं अभी तक। क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में आइसोलेटेड गैसेस एटम से जो एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ये कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई डॉट ई आयनाइजेशन एंथैल्पी और ये कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। हमको इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये देखना था, क्या जो हमारा अगला टॉपिक है, क्या हाइड्रेशन एनर्जी, ये इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसको हम लोग को देखना है। ठीक है, क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको जो है हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी आपको बता रहा था बच्चों कि पानी में किसी आयंस को डालोगे, जैसे सोडियम आयन है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल से इंट्रैक्ट करेगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड, यानी इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आयंस इंट्रैक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रेशन एनर्जी। पानी में सोडियम आयन है तो सोडियम आयन से वाटर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रेशन होगा। ठीक है, यानी वाटर का किसी भी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ इंटरेक्शंस होगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सेड टू बी हाइड्रेशन एनर्जी। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स आर लार्जर देन द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होता है, चार्ज और साइज का रेशियो अल्कलाइन अर्थ मेटल का ज़्यादा होता है। ये लिखा भी है, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। चार्ज अपॉन साइज क्या होता है, ये चार्ज अपॉन किसी एलिमेंट के, किसी मेटल आयन के चार्ज और साइज का जो रेशियो है अगर ज़्यादा होगा तो उसको पीपी बोलते हैं, पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा तो उसमें पानी में उस आयन को डालेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज्ड होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देख लेते हैं, क्या है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, अभी इससे पहले भी देखा था, पिछले टॉपिक में भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर, इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, क्यों होती है, ड्यू टू स्मॉल साइज। अब साइज अभी तो पढ़ा था, पोलराइजेशन पावर चार्ज अपॉन साइज रेशियो है, साइज छोटी होगी तो पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा, साइज छोटी होगी तो कैन ईजिली फिटेड इनटू द क्रिस्टलाइन लैटिस। अब आपसे कल को कोई पूछे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होगी, तो आप बताएंगे कि ये मेटल्स जिनके पास मेटलिक बॉन्ड स्ट्रांग हो उसमें अच्छी होगी, और अगर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो साइज छोटी होती जाएगी तो दे कैन ईजली फिटेड इन टू द क्रिस्टल, आसानी से क्रिस्टल में फिट होंगे, या जब आसानी से क्रिस्टल में फिट होंगे तो ऑलवेज है द हाई क्या होगा, MP and BP, उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। चला जाए आगे, ओके ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार आता है एग्जाम में, क्या फ्लेम कलरेशन, यानी किसी भी मेटल्स या उसके सॉल्ट को फ्लेम के ऊपर रखा जाए तो इट गिव्स द करेक्टरिस्टिक फ्लेम, अलग अलग कलर की फ्लेम निकलती है। ठीक है, फ्लेम कलरेशन उसको कहते हैं। ये अल्कली मेटल्स में भी देख सकते हैं, ऑल द अल्कली मेटल्स शोज द फ्लेम कलरेशन, सारे अल्कली मेटल्स को या उसके सॉल्ट को आग के ऊपर रखा जाए तो वो अलग अलग तरह के कलर शो करते हैं।
क्यों कलर शो करते हैं? बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी, वहाँ आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में है दे कैन ईजली इलेक्ट्रॉन कैन ईजली जम्प फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. जब वो एक्साइटेड स्टेट पर पहुँच जाता है इट रिटर्न्स विद हैविंग द सम वेवलेंथ एंड दैट वेवलेंथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द दैट वेवलेंथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेशल कलर. अलग अलग कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फिर से बोल रहा हूँ, क्या बताया जा रहा है कि वेन वी सप्लाई द हीट, वेन वी पुट द मेटल और इट्स आयन इन टू द ओवर द फ्लेम, जब फ्लेम के ऊपर रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? दे एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स गोट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट. ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं व्हेन इट रिटर्न्स इट रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड दैट वेवलेंथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर. ये इसी चीज़ को बच्चों लिखा गया है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट बेरिलियम और मैग्नीशियम डू नॉट शो एनी कलर ओवर द फ्लेम बट रेस्ट कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बैरियम हो गया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, ये सारे एलिमेंट्स फ्लेम कलरेशन शो करते हैं. क्यों शो करते हैं? पहले तो ये बता दिया जाए कि बेरिलियम और मैग्नीशियम क्यों नहीं शो करते हैं. बेरिलियम मैग्नीशियम डू नॉट हैव या सॉरी बेरिलियम और मैग्नीशियम हैव द वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी. इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, देयरफॉर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट. तो उतनी एनर्जी उसके जो है चाहिए, तो उतनी एनर्जी चाहिए, तो इसलिए जो है बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर ये बाकी द रेस्ट मेंबर्स शोज द क्या फ्लेम कलरेशन दैट इज कॉल्ड द बिकॉज ऑफ द लो आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एन्थैल्पी. ये लो आयनाइजेशन एन्थैल्पी के कारण ऐसा करते हैं. ठीक है, अब आइए हम पढ़ रहे थे नेक्स्ट. ये यहाँ पे दिखा भी है, देखिए बेरिलियम ऑक्सीजन कंबाइन करेगा. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्टिविटी विथ रिएक्टिविटी अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात हो रही है. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात हो रही है ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन से इसकी रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं. तो बेरिलियम और मैग्नीशियम दो ऐसे एलिमेंट है जब उसको एयर में रिएक्शन कराते हैं तो बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड बनाता है. उसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है और रेस्ट मेंबर्स केवल ऑक्साइड्स बनाते हैं क्योंकि इनका पोलराइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है. बेरिलियम की चार्ज अपन साइज रेशियो ज़्यादा होता है, देयरफॉर इट कैन फॉर्म ऑलवेज फॉर्म द ऑक्साइड्स एज वेल एज नाइट्राइड्स. उसी तरह रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करोगे तो कैल्शियम कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन के साथ तो कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम कंबाइन करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्राइड्स. ठीक है, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि कैल्शियम के हाइड्राइड को हम लोग हाइड्रोलिथ कहते हैं. कैल्शियम हाइड्राइड का एक दूसरा नाम भी हाइड्रोलिथ. कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है व्हाट इज हाइड्रोलिथ तो या हाउ इट कैन बी प्रिपेयर, तो आप कहेंगे व्हेन द कैल्शियम इज हीटेड विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म द कैल्शियम हाइड्राइड एंड अनदर नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्राइड इज हाइड्रोलिथ. ये है रिएक्शन विथ वाटर के बारे में बात करना था. वाटर का क्या है रिएक्शन? भाई अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होता है वाटर के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो इतना ईजिली नहीं. वहाँ पर तो अल्कली मेटल्स कैन रिएक्ट इवन कोल्ड वाटर, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को वाटर के साथ हीट करेंगे तो वाटर के साथ या गर्म हॉट वाटर में रिएक्शन कराएंगे इट फॉर्म द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ये बनता है और दीज हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर. दे उनकी बेसिक क्या होती है? नेचर होती है. क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर रहे हैं तो अरेनियस का कंसेप्ट पढ़ा है. जो OH आयन देते हैं वो बेस होते हैं. इम्पॉर्टेंट बात वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो मेटल और OH आयन का बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा. जब बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? इट कैन बी इजली ब्रेक एंड व्हेन इट कैन बी इजली ब्रेक मीन्स द OH आयन कैन बी इजली रिलीज इन टू द वाटर. अगर कभी पूछा जाए कि कैल्शियम बेरियम स्ट्रोंशियम में कौन ज़्यादा बेसिक है तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उनकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है. इसी को लिखा हुआ है. तो क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे एक बार मिटा के यहाँ से आपको दिखा दिया जाता है. क्या
द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कलाइन, बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है किसकी, अल्कलाइन अर्थ मेटल की, इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसको एक्सप्लेन किया गया है, मेटल और OH की बॉन्ड बढ़ती जाएगी, जब बॉन्ड बढ़ता चला जाएगा तो बॉन्ड कैन बी ईजिली ब्रोकन, और जो आसानी से टूटेगा तो क्या होगा, इट कैन ईजली फर्निश द OH आयन सोल्यूशन को, OH आयन आसानी से मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, जब OH आयन ज़्यादा मिलेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इसलिए टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ सभी में, अल्कली मेटल्स की हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल की हो, बेसिक स्ट्रेंथ नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है। क्लियर है ये बात? चलिए, ये बात क्लियर है तो हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है एनोमलस बिहेवियर, ये हम पिछले में भी देखे थे, यहाँ पे भी देख रहे हैं। किसी भी ग्रुप का पहला मेंबर, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट मेंबर है, ठीक है, जो फर्स्ट मेंबर है वो कुछ न कुछ व्यवहार अलग शो करता है, एनोमलस बिहेवियर शो करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी और अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। यही देखिए, बेरिलियम क्या होगा, इट शोज द एनोमलस बिहेवियर बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ इट्स एटम और आयंस, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब कैसा व्यवहार अलग है, जैसे ये कर नहीं रहा था कि बेरिलियम की एयर में रिएक्शन कराइए तो इसके ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स दोनों बनते हैं। सारे लोग तो फ्लेम टेस्ट देते हैं लेकिन बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम स्पेशली, बेरिलियम डू नॉट शोज द फ्लेम टेस्ट बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, सभी के हाइड्रोक्साइड, चाहे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो या कोई हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, सारे बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड वो क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक मीन्स वी हैव लाइक द एसिडिक एज वेल एज बेसिक, डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन, मीन्स समटाइम इट्स बिहेव लाइक एसिड, समटाइम बिहेव लाइक द बेस, बट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन, कहाँ उसका बेरियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर रहे हैं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एक्ट एज अ एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मीन्स वी हैव लाइक एसिडिक एज वेल एज बेसिक बोथ। आगे बढ़ा जाए, ओके। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हमने देखा है, हाइड्रेशन ऑफ आयंस। जैसे अल्कली मेटल का उस चैप्टर में देखते थे, उसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो हैं उनके आयंस को वाटर में डालेंगे तो ज़्यादा हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन का मतलब, जैसे हमने मैग्नीशियम डाला तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा इससे क्या होंगे, अटैच्ड होते जाएंगे, और साथ में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते थे हाइड्रेशन एनर्जी। डिफिनीशन कैसे बनाते थे, व्हेन द आयंस इंटरेक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रेशन एनर्जी, जिसका पोलराइजेशन पावर, मतलब चार्ज अपॉन साइज रेशियो जिसका ज़्यादा होगा उसका पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा होगा। चार्ज अपन साइज रेशियो ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा होगा, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये एक था पेज जो छूट गया था वहाँ पे, और आपको मैं बताऊँ कि इसको स्कैन करने में थोड़ा छूट गया था, मैंने बताया था अल्कली मेटल्स में रिएक्शन विथ ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है, उसको पेपर में नहीं बताया था, तो ये इस पेपर से आप देख सकते हैं, पेज नंबर सिक्वेंस जो है, ठीक है, आप देख लें, यहाँ पे पेज नंबर 4 हट गया था, ठीक है, पेज नंबर 4 को बाद में रखा गया है, तो पेज नंबर 4 में यही हम लोग देख रहे हैं, क्या पहला वहाँ तीसरे से शुरू था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन को यहाँ देख ले रहे हैं, और ये छूट गया था, क्या रिएक्शन किसके साथ, अगर व्हेन द मेटल अल्कली मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स, ऑल द ऑक्साइड्स आर बेसिक नेचर। लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड मोनोऑक्साइड बनाता है, ये परऑक्साइड सोडियम बनाता है, एंड द रेस्ट फॉर्म द सुपर ऑक्साइड्स, ये रीजन हम लोग देखे थे, ये सब चीज़ें देख चुके थे। अल्कली मेटल्स पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद इट फॉर्म द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, एंड ऑल द हाइड्रोक्साइड आर द बेसिक इन नेचर, और बेसिक स्ट्रेंथ नीचे बढ़ती जाती है, जैसे LiOH है, ठीक है, NaOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्यों, क्योंकि मेटल और OH बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो वो हाइड्रोक्सिल आयन कैन बी इजली
रिलीज टू इन एक्वस मीडियम, तो इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मींस जब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ेगी, ये रीजन दिया हुआ है कि बॉन्ड लेंथ किसके बीच में, मेटल और हाइड्रोक्साइल आयन के बीच में का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड कैन बी इजिली ब्रोकन एंड इजिली सप्लाई द हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये हमारे चैप्टर्स का एक एक टॉपिक था। रिड्यूस सिलेबस के अनुसार पूरा टॉपिक है बच्चों, और बहुत ही कम समय में बहुत ही आराम से इसको हम लोग देख रहे थे, और अभी भी कोई टॉपिक अगर क्लियर नहीं है तो इसको आप जो है हमको बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों आप लोगों के लिए बनाया गया है, और इस टॉपिक को देखिए और समझिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में भी हमने बताया है, कुछ क्वेश्चंस और भी बताए जा सकते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दे रहे हैं, जिससे कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक तो आप जान ही गए हैं कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, एनोमलस बिहेवियर रीज़न क्या है इसके पीछे, डायगनल रिलेशनशिप के बारे में वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में कभी कभी ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसकी मोबिलिटी ज़्यादा है पानी में, मोबिलिटी का मतलब कौन पाइंस पानी में तेजी से मूव कर सकता है। यहाँ ये वह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इम्पॉर्टेंट भी दिया हूँ कि लिथियम को पानी में डालोगे तो सबसे बड़ी साइज होगी लिथियम की। क्यों लिथियम आयन की सबसे बड़ी साइज होगी, क्योंकि लिथियम की पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है, ये वाटर की बहुत सारी लेयर्स अपने चारों तरफ बना लेता है, इसलिए लिथियम आयन इन गैस सबसे छोटा होगा, लेकिन लिथियम आयन इन एक्वस मीडियम सबसे बड़ा होगा। और जब एक्वस मीडियम में पानी में लिथियम आयन की साइज बड़ी हो जाएगी तो उसकी मोबिलिटी मीन्स मोमेंट कम हो जाता है, इसीलिए अलग अलग क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि लिथियम आयन और सोडियम आयन में कौन बड़ा होगा, तो आप बताएंगे लिथियम आयन। क्यों, क्योंकि इसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है। कभी कभी मोबिलिटी के बारे में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मोबिलिटी सबसे आसानी से कौन मूव करेगा इस ग्रुप में, तो आप बताएंगे सीजियम। सीजियम आयन सबसे छोटा आयन होता है, सीजियम एक्वो सबसे छोटा होता है, क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा, ठीक है। इसको आप लोग देखिए और वीडियो को बार बार इसको जो भी बताया गया है कंटेंट, इसको आराम से सुनते रहना है, और दो बार तीन बार इसको सुनिए। कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आता है तो इसको आप जो है चैट बॉक्स के माध्यम से भी हमको बता सकते हैं, और नंबर सभी आपके पास नंबर है, नंबर से भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद।